हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर चैप्टर 2 लिमिटेड स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में क्या किया था, पिछले वाला लेक्चर का जो लास्ट पिछले वाले चैप्टर का जो लास्ट था उसमें हमने तीनों तरीके के अलग अलग डिजाइन मेथड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा की थी। अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे लिमिटेड स्टेट मेथड क्या है और लिमिटेड स्टेट मेथड से अलग अलग मेंबर्स की किस तरह से डिजाइन की जाती है। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा काम करते हैं, कुछ IAS कोड के बारे में नाम लिख लेते हैं, कुछ IAS कोड के बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि ये IAS कोड के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा IAS कोड किस काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहला है IAS 456 2007। ये IAS कोड का नंबर होता है, ये इसका ईयर होता है जिसमें या तो बना हो या रिवाइज हुआ हो। ये है RCC और PSC का, सॉरी PSC का नहीं, PCC का, RCC और PCC का। इसके अलावा दूसरा IAS कोड है IAS 875 1987। इसके पांच पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड, दिस इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड। ठीक है, सिर्फ अगर लोड की बात कहें, सिर्फ डिजाइन लोड की बात करें तो पार्ट फर्स्ट है। इसी का पार्ट सेकंड बात करता है इंपोज्ड लोड के बारे में। आपको पता होगा किसको बोलते हैं, इंपोज्ड लोड बोलते हैं लाइव लोड को। ठीक है, इंपोज्ड लोड, लाइव लोड जो मूवेबल लोड होता है वो। इसका पार्ट थर्ड ये बात करता है विंड लोड के बारे में। ये लास्ट ईयर SSC ने पूछा था कि विंड लोड के बारे में कौन सा IAS कोड बात करता है, 875 1987 पार्ट थर्ड। इसका पार्ट फोर्थ बात करता है स्नो लोड के बारे में। पार्ट फाइव बात करता है कोई भी स्पेशल लोड या फिर लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके अलावा एक IAS कोड है IAS 10262 2009। ये कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में है, दिस इज अबाउट कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। एक IAS कोड आता है IAS 1343, ये बताता है PSC के बारे में, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। एक IAS कोड है IAS 3370, ये लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर के डिजाइन को बताता है। तो तुम्हारा वाटर टैंक भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ IAS कोड के नाम है जो आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं जब दिन खराब होते हैं तब। ठीक है, तो ये तुम्हारे याद होने चाहिए। कुछ सारे IAS कोड याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जितने याद रख सको उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, खास करके JEE और AE के एग्जाम में। तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, लिमिटेड स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। पिछले वाले में देखा था हमने WSM के बारे में, लिमिटेड स्टेट की जो ओवरव्यू था, लिमिटेड स्टेट का ओवरव्यू पिछले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि साहब अलग अलग तरीके की अनसर्टेनिटी हो सकती है, अलग अलग तरीके की अनसर्टेनिटी हो सकती है, और ये अनसर्टेनिटी किस किस को लेके हो सकती है, मेंबर की डायमेंशन को लेके हो सकती है, लोड को लेके हो सकती है, और मटेरियल को लेके हो सकती है, इनको लेके अनसर्टेनिटीज हो सकती है। इन अनसर्टेनिटीज को काउंट करने के लिए WSM वालों ने क्या किया, इन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज किया। अल्टीमेट लोड मेथड वालों ने क्या किया, इन्होंने लोड फैक्टर दिया। ये दोनों ही चीजें अपने आप में सही हैं, दोनों चीजें गलत नहीं है।
अगर आप अल्टीमेट लोड मेथड से डिजाइन करोगे या WSM से डिजाइन करोगे तो सेक्शन फेल नहीं होगा, लेकिन इनके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लोड फैक्टर के पीछे कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं था। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिलायबिलिटी बेस्ड एनालिसिस किए गए, और उनके बेसिस पे सेफ्टी फैक्टर्स दिए गए, दोनों चीजों के लिए, मटेरियल के लिए अलग और लोडिंग के लिए अलग। और ये जो सेफ्टी फैक्टर्स दिए गए इनको बोला गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, तो जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स को कंसिडर करके जिस डिजाइन को करते हैं हम, या जिस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, उस मेथड को बोला जाता है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। अब ये देखना है तुमको कि ये जो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन है उसमें ये लिमिट स्टेट क्या है, ठीक है। मैं लिमिट स्टेट की डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले, फिर उसको डिक्टेट करेंगे। इट इज अ एक्सेप्टेबल लिमिट, फॉर सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी, फॉर एनी मेंबर या एनी स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चरल एलिमेंट, बिफोर फेलियर, देखिए क्या कहा कि ये एक्सेप्टेबल लिमिट है सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी दोनों क्राइटेरिया को कंसिडर करते हुए। लिमिट स्टेट मेथड सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी दोनों की बात करता है, अगर हम इन दोनों के बारे में देखें, सेफ्टी क्या है और सर्विसेबिलिटी क्या है, आप सभी ने नई वाली बॉम्बे टू गोवा मूवी देखी होगी, उस बॉम्बे टू गोवा में क्या है, खटारा बस होती है। अब वो खटारा बस में चले तो जाते हैं सब, अब वो बस इस लायक तो है उनको आराम से लेके चली जाएगी, मरेगा नहीं कोई, भी आदमी मरेगा नहीं, मतलब वो सेफ तो है, लेकिन जिस डिजायर्ड ऑफ सर्विसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है आपको, वो सर्विसेबिलिटी नहीं दे पाएगी, वो चारों तरफ से तो बज रही है, समझ रहे हो। तो जिस सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, वो बताता है सर्विसेबिलिटी, जैसे कि डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो, जैसे कि क्रैक बहुत ज्यादा नहीं हो। और सेफ्टी किस चीज को काउंट करता है, जैसे फेलियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बीम है, एक बीम है, ये बीम सिंपली सपोर्टेड है, अगर इस बीम के ऊपर लोड लग रहा है, तो लोड लगने से क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, डिफॉर्मेशन आ सकता है। लोड लगने से मान लीजिए ये डिफॉर्म कर गया, अगर ये क्रैक कर जाता है, अगर ये फेल हो जाता है, अगर मान लीजिए इस लोडिंग की वजह से डिफॉर्मेशन आया और उस डिफॉर्मेशन की वजह से अगर ये फेल हो जाता है, तो ये फेलियर जो क्राइटेरिया है वो किसमें आएगा, वो सेफ्टी में आएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इस लोड की वजह से इसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आ जाए, तो डिफ्लेक्शन भी जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इस चीज को काउंट करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ है, फेल नहीं हुआ है, ठीक है, तो फेल नहीं हुआ लेकिन डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, मतलब सर्विस के हिसाब से आपके काम का नहीं है, तो ये क्राइटेरिया आ जाएगा सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया में। अब लिमिट स्टेट मेथड एक ऐसी लिमिट डिसाइड करता है, जो दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया को भी और सेफ्टी क्राइटेरिया को भी। मतलब तुम्हारे पास जो मटेरियल है, मटेरियल दो है हमारे पास, स्टील और कॉन्क्रीट,
आप उन दोनों की स्ट्रेस वैल्यू को यहां तक बढ़ा के ला सकते हो। अब इस लिमिट को क्रॉस करने पे या तो वो सेफ्टी में फेल हो जाएगा या वो सर्विसेबिलिटी में फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, हमको इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, या तो मेंबर फेल होगा सर्विसेबिलिटी में या मेंबर फेल हो जाएगा किसमें, सेफ्टी में। तो ये एक लिमिट बता दी हमको। वर्किंग स्ट्रेस मेथड वालों ने ऐसा नहीं बताया था, वहां पे आपको मटेरियल का फेलियर पॉइंट पता नहीं था, वहां पे आपको मटेरियल का फेलियर पॉइंट पता नहीं था, ठीक है। यहां पे हमको मटेरियल का फेलियर पॉइंट पता है, क्लियर। तो ये फर्क है थोड़ा सा। अब क्या करें, हम मटेरियल की स्ट्रेस वैल्यू को यहां तक बढ़ा के ला सकते हैं। WSM में ऐसा नहीं था। तो अब यहां पे तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल किस मेथड में ज्यादा है। तो मटेरियल का यूटिलाइज किस में ज्यादा किया हमने, लिमिट स्टेट मेथड में। कैसे, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में आप इसको फेलियर तक ला सकते हो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम मटेरियल को फेलियर तक नहीं लेके आए थे, क्लियर पॉइंट। तो ये है लिमिट स्टेट। अब लिमिट स्टेट मेथड में जो मेंबर है उस मेंबर को दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। कौन कौन सी चीजें, सर्विस और सेफ्टी, ठीक है। लोड इज अप्लाइड, लोड इज अप्लाइड टू काउंटर बोथ सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी एंड सेफ्टी क्राइटेरिया, एंड सेफ्टी क्राइटेरिया मतलब जो लोड आप लगाओगे उस लोड पे ना तो सर्विसिबिलिटी में ना सेफ्टी में मेंबर फेल होना चाहिए, क्लियर। तो कुल मिला के तुम्हारे पास लिमिट स्टेट दो तरह की हुई, एक सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, एक सेफ्टी क्राइटेरिया के लिए। एक चीज और देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेंबर है, कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये बीम मान लो, इस बीम के ऊपर लोड लग रहा है, जिस लोड पे ये बीम फेल होगी उस लोड को बोलते हैं अल्टीमेट लोड, उस लोड को बोलते हैं अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड फेलियर लोड है कि इससे ज्यादा लोड आप नहीं लगा सकते, फेल हो जाएगा। लेकिन जिस लोड पे सर्विसेबिलिटी चेक की जाती है वो सर्विस लोड होता है या वर्किंग लोड होता है, जिस लोड पे सर्विसेबिलिटी चेक की जाती है, सर्विसेबिलिटी की जिससे बात करते हैं, वो या तो सर्विस लोड होगा या फिर वर्किंग लोड होगा। समझने के लिए क्या करें, जैसे तुमसे किसी ने बीम डिजाइन करवाई कि आप 100 किलो न्यूटन लोड को रोकने के लिए बीम बना दो, ठीक है। अब अनसर्टेनिटी है हमारे पास, लोड कितना लगेगा तुम्हारे हिसाब से, 100 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। लेकिन उस अनसर्टेनिटी की वजह से हम इस बीम को सपोज करिए कि 150 के लिए डिजाइन करते हैं, तो इस 150 किलो न्यूटन लोड पर यह बीम फेल हो जाएगा, जबकि हमारे पास 50 का मार्जिन है। तो ये 150 किलो न्यूटन के लोड पर फेल हो जाएगा, ये इसका अल्टीमेट लोड होगा। लेकिन जो सर्विस रिक्वायरमेंट है, उन सर्विस रिक्वायरमेंट को आप चेक करोगे इस 100 किलो न्यूटन के लोड पे, क्योंकि एक्चुअल में जो लोड लगेगा वो तो यही लगेगा, क्लियर है। तो हमेशा जो सेफ्टी चेक की जाएगी, सेफ्टी चेक की जाएगी अल्टीमेट लोड पे, और सर्विसेबिलिटी चेक की जाएगी सर्विस लोड पे या वर्किंग लोड पे, ठीक है, सर्विस लोड पे या फिर वर्किंग लोड पे। तो ये दोनों लोड अलग अलग होंगे, अल्टीमेट लोड अलग होगा और सर्विस लोड या वर्किंग लोड अलग होगा। अब इस तरह से हमारे पास लिमिट स्टेट की दो, लिमिट स्टेट के दो टॉपिक हैं, कौन कौन से। तो ये जो लिमिट स्टेट है, एक तो है लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स, एक है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, एक है लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स, और एक है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ठीक है। अब जो लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स है, ये लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स किस पे चेक करते हैं हम, अल्टीमेट लोड पे चेक किया जाता है, दिस इज चेक फॉर अल्टीमेट लोड, ठीक है, एंड दिस इज चेक फॉर, दिस इज चेक फॉर सर्विस लोड या वर्किंग लोड, ठीक है। एक तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है कि हमेशा जो कॉलेप्स होगा या सेफ्टी होगा, कॉलेप्स होगा या सेफ्टी होगा अल्टीमेट लोड पे चेक करेंगे,
और सर्विसबिलिटी होगा वो सर्विस लोड पे चेक करेंगे। दूसरी चीज, कोलैप्स किस किस में होगा, मतलब फेलियर किस किस में हो सकता है। तो फेलियर किस किस में हो सकता है, फ्लेक्सर में फेलियर हो सकता है, कंप्रेशन में फेलियर हो सकता है, इसके अलावा शियर में फेलियर हो सकता है, इसके अलावा टोर्शन में फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन कंसिडर की जाती है। और जो सर्विस चेक किया जाता है वो डिफ्लेक्शन चेक किया जाता है, क्रैक चेक किए जाते हैं, वाइब्रेशन चेक किए जाते हैं। तो डिफ्लेक्शन, क्रैक या वाइब्रेशन ये चेक किए जाते हैं सर्विस लोड के लिए, और ये सारी चीजें चेक की जाती हैं अल्टीमेट लोड के लिए। क्लियर? तो हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड इन दो चीजों की बात करता है, कोलैप्स की भी बात करता है और सर्विसबिलिटी की भी बात करता है। मतलब जो मटेरियल आप लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करोगे वो उन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। हम लोड की वैल्यू को तब तक लेके जा सकते हैं सिर्फ जब तक इन दोनों में से किसी में भी वो फेल ना करे। मतलब आपका मटेरियल शुड बी सेफ बोथ इन सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया। क्लियर? ये बात हुई लिमिट स्टेट की, लिमिट स्टेट है क्या। अब हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि लिमिट स्टेट मेथड में अलग अलग दोनों चीजें, लोड और मटेरियल दोनों के लिए अलग अलग सेफ्टी फैक्टर्स दिए गए हैं, और उन सेफ्टी फैक्टर्स को कहा गया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। उनको कहा गया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। याद रखना हमेशा, एक टर्म पढ़ी थी हमने WSM में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर वो तुमसे मेथड का नाम लेके बोले कि कौन से मेथड का सेफ्टी फैक्टर है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, जब तो उस मेथड का बता दोगे। अगर सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा हो, अगर आपसे पूछ ले कि साहब कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, सिर्फ ऐसा कहा हो, लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस मेथड कुछ भी नहीं कहा हो, तो आप हमेशा किसका बताओगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में इन सेफ्टी फैक्टर्स को फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं कहा जाता, इनको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स कहा जाता है। क्लियर है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स कहा जाता है। हाँ, अगर वो कह के ऐसा दे कि लिमिट स्टेट के लिए कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताओ, तो फिर आपको लिमिट स्टेट का ही बताना। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। और ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दोनों चीजों के लिए है, लोडिंग के लिए भी है और मटेरियल के लिए भी है। तो पहले बात करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोडिंग। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लोड के बारे में कोई भी बात नहीं की गई, लोड कॉम्बिनेशन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई कि किस किस तरह के लोड लग सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ मटेरियल के लिए ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था, यहां पे लोड के लिए भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया। और लिमिट स्टेट मेथड में लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों चीजों को कंसिडर करके हुए दिया हुआ है, सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए भी और सेफ्टी क्राइटेरिया के लिए भी। देखिए, इसको मैं लिख देता हूं गामा एफ, गामा एफ, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इज गामा एफ। तो सबसे पहले आ जाएगा लोड कॉम्बिनेशन, एक टेबल है, टेबल आपको याद रखनी है, लोड कॉम्बिनेशन और अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हैं सेफ्टी और सर्विसबिलिटी दोनों के लिए। क्लियर? दिस इज फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड दिस इज फॉर लिमिट स्टेट इन सर्विसबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। राइट? देखिए, लोड कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं आईएस कोड के हिसाब से। पहला लोड कॉम्बिनेशन हो सकता है डेड लोड, किसी भी मेंबर का डेड लोड तो रहेगा ही रहेगा उसका। जैसे डस्टर है, डस्टर का डेड लोड क्या है, इसका सेल्फ वेट, तो ये तो होगा ही होगा। अब इसके ऊपर लोड लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका खुद का वेट तो हमेशा रहेगा। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड कॉम्बिनेशन, लाइव लोड मतलब कोई भी मूवेबल लोड, लाइव लोड। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस या तो विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। आईएस कोड ऐसा मानता है कि जब भूकंप आता है तब हवा नहीं चलती और जब हवा चलती है तो भूकंप नहीं आता।
मतलब इन दोनों में से साइमल्टेनियसली दोनों एक्ट नहीं करेंगे, या तो विंड लोड एक्ट करेगा एक बार में या अर्थक्वेक लोड एक्ट करेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। ये आईएएस कोड तीन तरह के लोड कॉम्बिनेशन की बात करता है लिमिट स्टेट मेथड में, और इनके लिए अलग अलग सेफ्टी फैक्टर्स दिए गए। डेड लोड, अच्छा इसमें भी सेफ्टी फैक्टर अलग अलग लोड के लिए अलग अलग है। ये डेड लोड के लिए, ये लाइव लोड के लिए, ये विंड लोड या अर्थक्वेक लोड के लिए। दिस इज फॉर डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। तो जब डेड लोड और लाइव लोड लग रहा हो तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए डेड लोड के लिए जो सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वो लेते हैं 1.5 और लाइव लोड के लिए भी 1.5। WL नहीं है कोई बात नहीं। सर्विसबिलिटी के लिए 1, इसके लिए भी 1 और ये नहीं। दूसरा, डेड लोड के लिए 1.5 और एक और लिख लेना 0.9, 0.9 का स्टार मार्क कर लो। लाइव लोड नहीं है इस कॉम्बिनेशन में, इसके लिए भी 1.5, इसके लिए 1, लाइव लोड है नहीं इसके लिए भी 1। और अगर तीनों ऐड कर रहे हो 1.2, 1.2, 1.2, 1, 0.8, 0.8, ये सेफ्टी फैक्टर्स है। इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर किसी मेंबर पे, ये मेंबर है, इसको आपको कोई भी लोडिंग कंडीशन के लिए डिजाइन करना है। सपोज तुमसे कहा गया कि इसका डेड लोड 15 है, निकाल लेंगे डेड लोड, तो डेड लोड मान लीजिए 15 किलो न्यूटन है पर मीटर, और लाइव लोड इसमें मान लीजिए 30 या 10-10 मान लेते हैं कि डेड लोड भी 10 है किलो न्यूटन पर मीटर और लाइव लोड भी 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इस लोड के लिए बीम को डिजाइन करना है, ठीक है। अब हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, अब हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, आपको ये जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं, ये सेफ्टी फैक्टर्स काम में लेने हैं, ये सेफ्टी फैक्टर्स काम में लेने हैं। हमेशा जो LSM में डिजाइन होती है, LSM में डिजाइन होता है अल्टीमेट लोड के लिए, LSM में डिजाइन होता है हमेशा अल्टीमेट लोड के लिए। और ये जो अल्टीमेट लोड है, अल्टीमेट लोड होता है सर्विस लोड इंटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, सर्विस लोड इंटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो आपको ये तो पता चल गया सर्विस लोड कितना है, 10 डेड लोड है और 10 लाइव लोड है, मतलब सर्विस लोड 20 किलोमीटर पर मीटर है। लेकिन तुम्हारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स दो हैं, कोलैप्स वाला लोगे या सर्विसेबिलिटी वाला लोगे। अगर मैं कोलैप्स वाला लेता हूं तो डेड लोड के लिए कितना हो जाएगा 1.5, मतलब तुम्हारे पास जो डेड लोड है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइव लोड के लिए भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका तो ये है, या फिर दोनों को जोड़ के 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बराबर है। तो कितना हो जाएगा ये 20 × 1.5, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ये तो किसके हिसाब से है, सेफ्टी के हिसाब से। दूसरा, अगर सर्विसबिलिटी को काउंट करें तो सेफ्टी फैक्टर 1 है तो लोड कितना हो जाएगा, अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर। किसके लिए डिजाइन करें, अगर मान लीजिए मैं इस 20 के लिए डिजाइन करता हूं तो वो सेफ्टी में फेल हो जाएगा, क्योंकि सेफ्टी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपको कितने से डिजाइन करना पड़ेगा उसको, 30 किलो न्यूटन पर मीटर से। अगर मैं इस 30 के लिए डिजाइन करता हूं तो यहां तो सेफ है ही है, इसके लिए जरूरत 20 की है सिर्फ, और अगर आपने 30 के लिए डिजाइन किया तो वहां पे सेफ होगा। तो हमेशा आप सेफ्टी फैक्टर्स कौन सा लेना है, जो ज्यादा हो, क्योंकि वो दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। मैक्सिमम टाइम तुम्हारे पास लोड कॉम्बिनेशन यही रहता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो उसके लिए सेफ्टी फैक्टर कितना ले लेते हैं हम, 1.5। अब कोई दिक्कत नहीं है, पूरी टेबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सिर्फ ये जो स्टार मार्क है 0.9, ये क्या है, जो स्टार मार्क है 0.9 वो क्या है। जैसे मान लीजिए कोई फाउंडेशन है या रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कोई रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमको पता है रिटेनिंग स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट है वो सेल्फ वेट ओवरटर्न को रेसिस्ट करेगा और स्लाइड को रेसिस्ट करेगा, सेल्फ वेट ओवरटर्न को रेसिस्ट करेगा और स्लाइड को रेसिस्ट करेगा। अगर दिस डेड लोड, इफ डेड लोड इज रेसिस्टिंग स्लाइड या ओवर टर्निंग या
ओवर टर्निंग, तब हम डेड लोड के लिए क्या काम में लेते हैं, 0.9 सेफ्टी फैक्टर, अदरवाइज 1.5 ही काम में लोगे। तो सिर्फ ये स्पेशल केस है एक, इसके लिए 0.9 फैक्टर ऑफ सेफ्टी काम में लिया जाता है या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर काम में लिया जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड तीनों लग रहे हैं तो तीनों के लिए ये फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज्यादा वैल्यू इसकी है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर सेफ्टी में फुलफिल कर रहा है कंडीशन तो वो सर्विसेबिलिटी में तो करेगा ही करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास मैक्सिमम टाइम जो कंडीशन रहती है वो लाइव लोड प्लस डेड लोड की ही रहती है। उस वाले केस में सिंपली क्या करते हैं, हम लाइव लोड डेड लोड को जोड़ के और 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा अल्टीमेट लोड आ जाता है। क्लियर? तो ये बात हुई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लोडिंग में। अब दूसरा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल्स, दूसरा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल्स, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल, इसको मैं गामा एम बोल देता हूं। हमारे पास दो मटेरियल हैं, एक स्टील है, तो स्टील के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो यहां पे लिया जाता है 1.15। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा स्टील का, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कितना होगा, हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी देखा था, इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टील का FY, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.87 FY। तो लिमिट स्टेट मेथड में स्टील का डिजाइन स्ट्रेंथ कितना लेते हैं, 0.87 FY, और यही डिजाइन स्ट्रेंथ WSM में कितना लेते थे, 0.55 FY। मतलब वहां पे यूटिलाइजेशन कम था, वहां पे आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे स्टील की स्ट्रेंथ को, सिर्फ लगभग आधा मान रहे थे, यहां पे कितना ले रहे हैं, 0.87 FY। तो ज्यादा लोड अलाउ किसमें कर रहे हो आप, लिमिट स्टेट मेथड में। दूसरा कंक्रीट के लिए, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कंक्रीट के लिए लिमिट स्टेट का सेफ्टी फैक्टर तो है 1.5, लेकिन जब कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इसका डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते हैं, सिग्मा सीबीसी इज इक्वल टू एफसीके डिवाइडेड बाय 1.5 × 1.5। यहां पे दो बार 1.5 लगाया, मतलब डबल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाया है या डबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया है। और इसको अगर सॉल्व करते हो आप, तो ये आ जाता है 0.446, जिसको लेते हैं हम 0.45 एफसीके, ठीक है, 0.45 एफसीके। ये याद रखना कि कंक्रीट में डबल सेफ्टी फैक्टर्स यूज आते हैं, कंक्रीट में क्या है, डबल सेफ्टी फैक्टर यूज आते हैं। डबल सेफ्टी फैक्टर क्यों यूज आते हैं, क्योंकि एक जो 1.5 है ये तो लिमिट स्टेट के लिए है, और दूसरा 1.5 है मेंबर की डायमेंशन के लिए, साइज के लिए, क्योंकि जब हम ये एफसीके डिफाइन कर रहे थे तो एफसीके डिफाइन किया जाता है 150 mm के क्यूब पे डिफाइन किया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो डायमेंशन है मेंबर की, वो एक्चुअल डायमेंशन 150 mm नहीं होती है, 150 mm से ज्यादा बड़ा होता है। और ये चीज हम कंप्रेसिव स्ट्रेस में भी देख चुके थे कि जैसे जैसे मेंबर की डायमेंशन बढ़ती है वैसे वैसे उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होता जाता है। क्लियर? तो एक डायमेंशन को काउंट करने के लिए 1.5, एक लिमिट स्टेट के लिए है। तो अगर तुमसे पूछा जाए लिमिट स्टेट मेथड के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का, तो 1.5 ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मत बता देना, क्योंकि ये सेपरेटली डायमेंशन के लिए है, दिस इज सेपरेटली फॉर लिमिट स्टेट। तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर थे मटेरियल और लोडिंग दोनों के लिए। इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।